रस्सी तोड़ के घूम रहा है। आओ जल्दी आओ, आओ दाना डाल लो इस पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ इस पे डाल लो दाना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा, आओ चिंटू आओ जल्दी आओ। आओ ये लो ये लो, चलो भाई यही तरीका है इसको पकड़ने का। इसको पकड़ता हूँ, रस्सी तो लेकर आ गया हूँ, इसको बांधता हूँ, मोबाइल रखता हूँ साइड में, अभी बांधता हूँ इसको। फाइनली भाई हमने रस्सी बांध दी इसके, साला बहुत शैतान है, तबाही मचा दी, खुल्ली उल्ली सब नीचे फेंक दी, बोल तबाही मचा के रखी हुई है लोगों ने। अभी आया हूँ मैं, इनको सेट करता हूँ, खा ले थोड़ा बहुत फिर सेट करता हूँ इसको। अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक टू ब्रांड न्यू ब्लॉग, और आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद का दिन है, शाम का टाइम हो रहा है, और अभी हम आए ऑफिस से, और आके देखा है तो इन्होंने रस्सी रस्सी तोड़ दी है, और ये बाहर घूम रहे थे, अभी रस्सी बांध दी है इनके। और ये तो डेली होता है, ये रस्सियाँ तोड़ते हैं डेली, ख़ास तौर पे ये जो है ना छोटा, इसने बड़ा तंग करके रखा हुआ है, ये जो है ना, ये देख रहा होगा आप लोगों को, ये छोटा ये बहुत तंग करता है। तो ये है कि ये डेली रूटीन है भाई, रस्सियाँ तो तोड़ते ही। अब ये कि इसको बांधा है मैंने, और अभी जो है ना दाना वगैरह देते हैं, पानी वगैरह पिलाएंगे, दाना वगैरह देते हैं, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज सुकून से दाने पे लग गए, ईद का दिन है और हम बकरों को चारा डाल दाना डाल लें, सॉरी। मौसम देखा, मौसम टाइट हो रहा है आज, ईद वाले दिन वैसे गर्मी नहीं थी जिस तरह होती है, मौसम ज़बरदस्त, दिन में भी इतनी गर्मी नहीं थी, अच्छा हो रहा है मौसम। ये व्यू है भाई हमारी छत से ना, ये सारा ये देखें, ऐसा व्यू है,
गिराना नहीं, शाबाश। सही कहते हैं, जानवर के साथ जानवर बनना पड़ता है, ना ईद देखनी पड़ती है, ना रमज़ान देखना पड़ता है, इनके टाइमिंग पे इनको चारा देना पड़ता है, वरना देखें ना क्या हाल होता है, ये रस्सियाँ तोड़ देते हैं, रस्सियाँ तोड़ के डायरेक्ट गए चारे की तरफ, टाइमिंग थोड़ी सी आउट हो जाए ना तो बड़े मसले मसाइल करते हैं। और रात में जो है ना चांद ठीक हल, क्योंकि घर वाले बता रहे हैं कि भाई ये इसने रस्सी तोड़ दी, जग्गू ने, ये पूरी रात घूमते रहे छत पे, फिर ऊपर आके इनको बांधा, तो बड़ी तबाही मचाई, गेट वेट पारी कर दी, खुरली उरली लगाई वहाँ पे, तो अभी आके देखा रहे उन्होंने खुरली उरली सब गिरा दी। बड़ी मेहनत है यार, इतना आसान नहीं है कि जो है ना आप बकरे पाल लें या कोई भी ऐसा जानवर पाल लें, टाइम देना पड़ता है और केयर बहुत करनी पड़ती है, मेहनत बहुत है। अल्लाह अकबर, हर चीज़ के लिए इनको देखना पड़ता है, दाना पानी हर चीज़ का ख्याल इनका रखना पड़ता है, लिहाजा ये है कि इतना आसान नहीं है, लोग बड़ा आसान समझते हैं लेकिन इतना आसान नहीं है। चिंटू खा लो यार, तमीज़ से गिराओ नहीं यार, अब थक गया हूँ मैं, तुम्हारी खिदमत करते करते मैं थक गया हूँ। चलो उधर, चलो उधर, चलो इधर आओ, उन्होंने अपना खा लिया है ना, जब इधर उधर, हालांकि इसको मैंने ज़्यादा ही डाला था, अभी फिर डाल देता हूँ इसको दोबारा से। चलो आओ, ये लो ये लो ये लो, इस तरफ ले लो, नहीं नहीं तुम्हारे लिए ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, ला रहा हूँ, हाँ ला रहा हूँ, 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 हटो पीछे हटो, चलो ये लो, शाबाश। ये हमने अपना हिसाब रखा हुआ, ये डब्बा जो है ना, ये चार चार जो है ना हर बकरे को जाता है, एक पा आधा किलो का है तकरीबन, आधा किलो से ज़्यादा का ही होगा। ये जैसे दो है ना, तो इनको जाते हैं आठ, दांत निकालने के बाद तो और तेज़ हो गया है, जब से दो दांत हुआ ना और तेज़ हो गया ये चिंटू। तो गाइज़ ये था आज का हमारा व्लॉग, इस व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इसी तरीके से मिलती रहे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।